है लिप्सा वर्ल्ड। पहले से भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं वास्तु टिप्स ऑफ मनी प्लांट। वहाँ पे मैंने शेयर किए थे कि मनी प्लांट्स को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी पर रखना पड़ेगा, वो सब शेयर किए थे। लेकिन आज मेरा टॉपिक है केयर ऑफ मनी प्लांट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे मनी प्लांट के लाइट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर मनी प्लांट की लाइट रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मनी प्लांट को कभी डायरेक्ट धूप में मत रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स डायरेक्ट धूप में इस प्लांट्स को रखने से इस प्लांट्स के लीव्स आप देख रही हो ये पीले पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा इस प्लांट को इनडायरेक्ट एरिया में रख के ग्रो करना चाहिए। इसके लीव्स पीले पड़ जाए तो इसे इस तरह से काट के तुरंत हटा देना चाहिए। मनी प्लांट को आप अपने घर के किसी भी प्लेस में रख के आराम से ग्रो कर सकते हो। आप इसे अपने घर के अंदर, विंडोज के पास और बालकनी में भी रख के ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपको जरा इसके लाइट रिक्वायरमेंट की ध्यान देना चाहिए। मनी प्लांट को अगर कोई भी गमले में लगाते हो तो इसे एक मॉस स्टिक के सहारे ऊपर जाने दीजिए ताकि ये और भी ब्यूटीफुल लगे। और मॉस स्टिक आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, नहीं तो या कोई भी नर्सरी से आप खरीद के ला सकते हो। देन नेक्स्ट, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मनी प्लांट। अगर मनी प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आप इसके लीव्स पे इस तरह से वाटर ऐसे रेगुलरली स्प्रे कर सकते हो। ऐसे स्प्रे करने से हमारे जो स्पाइडर माइट मिलबग होते हैं वो सब अटैक नहीं कर पाएगा। अगर अटैक किए तो आप इसके ऊपर बीच बीच में नीम ऑयल भी स्प्रे कर सकते हो। और ऐसे स्प्रे करने से हमारे जो इसकी जो लीव्स होते हैं वो हमेशा से क्लीन ही रहेगा। फर्टिलाइजर में आप इसमें नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो एंड आप इसमें एनपीके की 19:19:19 वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट, प्रोपागेशन ऑफ मनी प्लांट। अगर मनी प्लांट की प्रोपागेशन की बात की जाए तो आप इसको इस तरह कटिंग करके ग्रो कर सकते हो। आप इस प्लांट को पानी में ग्रो कर सकते हो एंड मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि इनमें से एक नोड होना चाहिए ताकि इसको ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ इस प्लांट की और अब इस कटिंग को मैं सबसे पहले मिट्टी में ग्रोथ करूँगी। मनी प्लांट की कटिंग को मिट्टी में उगाना बहुत ही आसान है। आप इसको इस तरह से उगा सकते हो। इसको बस मिट्टी में इस तरह से प्रेस कर देने से ये इस तरह से ग्रो कर जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें से एक नोड होना चाहिए। देन नेक्स्ट, हम मनी प्लांट की और एक कटिंग लेकर पानी में ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे मैं कटिंग ले रही हूँ, अब इस कटिंग को मैं पानी में ग्रो करूँगी। अगर आप मनी प्लांट की कटिंग को पानी में ग्रो कर रही हो तो आपको इस चीज़ की ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक इसमें से रूट्स ना आ जाए तब तक आपको इसकी जो पानी है इस पानी को आपको रोज बदलना पड़ेगा। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।